तो उसको पकड़ करके नहीं, आप उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक से आगे बढ़ाइएगा, छोड़ दीजिएगा। यानी कोई गया है सुरक्षा के लिए और वहां पर कोई मान लीजिए फायरिंग शुरू करेगा, तो उसको काउंटर नहीं करेगा, उसको गिरफ्तार नहीं करेगा, तो क्या करेगा कि ये कर रहे हैं तो हम परमिशन लेंगे कोर्ट से तब इनको गिरफ्तार करेंगे, ये कैसी भावना है। लेकिन इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, डिबेट में भाग लेना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी, और हम लोग तो पूरी बात पहले सुन लेते और एक एक बात को लेकर के स्पष्टता के साथ बताते कि यह बात उचित नहीं है, और उनको जो दायित्व दिया जाता है उसका वो ठीक ढंग से उसका निर्धारण नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सब प्रावधान है एक्ट में। तो एक एक चीज को जानना चाहिए, इस पर ठीक से डिबेट करना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया हूं, मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि इन सब चीजों की चर्चा करना। अब कोई भी काम कोशिश में होंगे कि नहीं हो, बहुत अच्छा, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए और आपका अभिनंदन करता हूं कि नहीं, चाहे जितना देर भी जो भी विवाद करना हो करते रहिए, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है आपने निर्धारित किया था उसकी पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के बारे में कुछ चीजों को संक्षेप में कह दिया गया, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है, किसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई, और ये बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीजों को बताया, ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। ये बीएमपी बिहार मिलिट्री पुलिस, ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर, और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल, अब इसका नामकरण किया गया। और इसके अलावे कई जगहों पर जो इन्हें काम सौंपा जाता है, अभी इन लोगों ने बताया, सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि बोध गया में महाबोधि मंदिर के पास क्या घटना घटी थी 13 में, और कैसी भयंकर घटना घटी थी, किस तरह से वो बचा था। हम लोग तो तुरंत सुबह जाकर के वहां पर एक एक चीज को देख रहे थे और सारा काम किया, उसका पूरा का पूरा बाउंड्री और एक एक चीज बनाया। कितना बार हम कितने साल जा करके एक एक चीज को हम देखे हैं और कैसे किया जाए। और उसके बाद वहां की सुरक्षा के लिए बीएमपी को ही डेप्यूट किया गया। अब आप देख रहे हैं जो, और इसके बारे में जो इन्होंने बता दिया दरभंगा में ये काम को जो सौंपा गया है, एयरपोर्ट जो वहां पर बना है, तो ये सब काम और अन्य प्रकार के जिन बातों की चर्चा की गई कि कई प्रकार के काम में इनको लगाया जा सकता है वहां की सुरक्षा में। अब जब किसी चीज को पुलिस बल को या इस प्रकार के बल को आप कहीं कोई सुरक्षा में या देखभाल के लिए लगाएंगे और वहां कोई क्राइम करेगा तो क्या करेंगे, क्राइम करेगा तो उसको पकड़ करके नहीं आप उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक से आगे बढ़ाइएगा, छोड़ दीजिएगा। यानी कोई गया है सुरक्षा के लिए और वहां पर कोई मान लीजिए फायरिंग शुरू करेगा तो उसको काउंटर नहीं करेगा, उसको गिरफ्तार नहीं करेगा, तो क्या करेगा कि ये कर रहे हैं तो हम परमिशन लेंगे कोर्ट से तब इनको गिरफ्तार करेंगे, ये कैसी भावना है। और मुझे तो आश्चर्य होता है, हमने कहा है अपने विभाग को भी, और एक बात जब इसके बारे में जब सुने कि इसके बारे में पूरी चर्चा पहले कभी डिस्कशन हुआ था, एक एक बात हमने 3 घंटा बैठ करके एक एक चीज को देखा है कि कहीं कोई कमी और कोई दिक्कत तो नहीं है, और जब इस बात को कहा तो हमने तो बता दिया था उसमें डीजीपी को और जो हमारे अपर मुख्य सचिव है होम डिपार्टमेंट के, इन सब लोगों को हमने कहा कि इस प्रकार का दुष्प्रचार कौन कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जिस काम के लिए कर रहे हैं और उसी में से किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप ही के बीच में रहने वाला आदमी, और कहीं वो तो नहीं प्रचारित करवा रहा, कहीं लोगों को गुमराह वो तो नहीं कर रहा। और हमने जो देखा कि कई लोगों का अभी आया ही है और तुरंत डिटेल में लिखे हुए हैं, पढ़े थे, हम तो चाहते थे कि लोग डिबेट करते और उस समय हम भाग लेते और एक एक बात हम पूछते कि आप कब पढ़े हैं और क्या देखा है, इसका अर्थ क्या है। और आज भी जब आपने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में पढ़ पढ़ करके जो एक एक चीज को सुनाया गया तो किसी ने देखा है ठीक से, इससे बढ़कर के कोई गलत बात हो ही नहीं।